नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सेना भर्ती में हिस्सा लेने वाले अभ्यर्थियों को रेलवे दे रही है खास सौगात। राज्य के उत्तर और पूर्वी हिस्से आएंगे आंधी तूफान की चपेट में। सहरसा से दरभंगा के लिए जल्द चलेंगी पैसेंजर ट्रेन। बिहार विधानसभा में उठी चुनाव में महिलाओं के आरक्षण की मांग। बिहार सरकार ने की जमीन की खरीद बिक्री को लेकर नई पहल। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। बिहार की 15 महिलाओं ने पद्म पुरस्कार से बढ़ाया है सूबे का सम्मान। देश के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक पद्म पुरस्कारों को पाकर बिहार की 15 महिलाओं ने राज्य के शान को बढ़ाया है। खास बात यह है कि राज्य की जिन महिलाओं ने पद्म पुरस्कार अपने नाम किया है, उन्होंने देश भर में विभिन्न क्षेत्रों में अपने नाम का झंडा गाड़ा है। इनमें से लोक कला, लोक संगीत, साहित्य, चिकित्सा, खेती किसानी, समाज सेवा और शैक्षणिक आंदोलनों में उम्दा काम करने वाली इन महिलाओं को चुना गया। आपको बता दें कि सबसे पहले साल 1974 में बिहार किला स्वर्गीय विंध्यवासिनी देवी को लोक गायन के क्षेत्र में और साल 1975 में मधुबनी की जगदम्बा देवी को सबसे पहले मिथिला चित्रकला पद्मश्री से नवाजा गया और साल 1975 में मधुबनी की जगदम्बा देवी को सबसे पहले मिथिला चित्रकला में पद्मश्री से नवाजा गया। इसके अलावा 1981 में सीता देवी को, 1984 में गंगा देवी को पद्मश्री से नवाजा गया। तो वहीं छठ गीतों से दुनिया भर में मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा को पद्मश्री और पद्मभूषण दोनों से सम्मानित किया गया है। इसी साल बिहार की दो चर्चित महिलाओं को पद्मश्री के लिए चुना गया है। गोवा के राज्यपाल चर्चित लेखिका मृदुला सिन्हा को मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया है। वहीं दुलारी देवी मिथिला चित्रकला के लिए पुरस्कार मिला। गुजरात उच्च न्यायालय ने निकाली रिक्तियां। गुजरात उच्च न्यायालय ने होम डोमेस्टिक अटेंडेंट, कोर्ट अटेंडेंट, ऑफिस अटेंडेंट की कुल मिलाकर 38 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों का 10वीं पास होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट gujarathaicourt.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक से जाकर ले सकते हैं। जमीन की खरीद बिक्री में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सरकार की नई पहल। अगर आप भी जमीन के मालिक हैं और जमीन की खरीद बिक्री कर रहे हैं तो इससे पहले बिहार सरकार के नए नियम को जान लें। दरअसल बिहार सरकार के भूमि सुधार विभाग द्वारा ऐसी व्यवस्था की जा रही है जिससे जमीन की खरीद बिक्री होने पर पूरे गांव का नक्शा बदल दिया जाएगा। वर्तमान में खरीदी हुई जमीन के दाखिल खारिज के बाद जमाबंदी पंजी में उतनी जमीन पर बेचने वाले का नाम हटाकर खरीदने वाले का नाम जोड़ दिया जा रहा है, लेकिन गांव के नक्शे में कोई बदलाव नहीं होता है। नई व्यवस्था में जमीन की खरीद बिक्री होते ही नक्शा और खतियान भी बदल जाएंगे। वर्तमान व्यवस्था में कई जगह एक ही जमीन की दो जमाबंदी कायम है। यह कर्मचारी की मिलीभगत से होने वाला एक फर्जीवाड़ा है जिसका मूल आधार खतियान है। जमीन बेचने के बाद भी खतियान से पुराने मालिक का नाम नहीं हटता है। लंबे समय के बाद उसकी दूसरी पीढ़ी खतियान मिलाती है तो वह जमीन भी उसके नाम पर ही दिखती है जिसे उनके पुरखे बेच चुके हैं, जिसे कर्मचारी मूर्ख बनाकर दोबारा भी बेचकर फर्जीवाड़ा कर लेते हैं। लेकिन नए नियम के बाद फर्जीवाड़े की कोई संभावना नहीं बचेगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सीएम नीतीश कुमार ने महिलाओं को दी बधाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला दिवस की पूर्व संध्या पर राज्य व देश भर की महिलाओं को बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर राज्य सरकार निरंतर प्रयत्नशील है और आज महिलाएं आत्मविश्वास के साथ बिहार की तरक्की में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। राज्य में शराबबंदी से महिलाएं अत्यधिक खुश हैं। इस दौरान उन्होंने राज्य में महिलाओं को सशक्त करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं जैसे कि मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना एवं जीविका जैसी योजनाओं का जिक्र किया। वहीं उन्होंने कहा कि 7 निश्चय 2 में सशक्त महिला सक्षम महिला निश्चय के तहत महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। आर्मी भर्ती में हिस्सा लेने वाले कैंडिडेट्स को रेलवे दे रही है बड़ी राहत। पूर्व मध्य रेलवे ने बिहार में सेना की भर्ती परीक्षा में हिस्सा लेने वाले युवाओं के लिए एक राहत भरा फैसला लिया है। इसके अनुसार रेलवे की ओर से 11 मार्च से कटिहार से पटना के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है। इसके तहत कटिहार से पटना के बीच 18 कोच वाली ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। कटिहार से यह ट्रेन शाम के 7 बजे खुलेगी जो कि पटना जंक्शन सुबह 3 बजे पहुंचेगी। वहीं पटना जंक्शन से यह ट्रेन सुबह 5 बजे खुलकर न्यू बरौनी से होते हुए दोपहर 12:30 बजे कटिहार स्टेशन पहुंचेगी। इस ट्रेन में मेल और एक्सप्रेस की तर्ज पर ही किराया लगेगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार इस ट्रेन के चलने से सेना की भर्ती परीक्षा में भाग लेने वाले हजारों अभ्यर्थियों को सहूलियत मिलेगी। महिला विधायकों ने उठाया विधायक सांसद के चुनाव में महिलाओं के आरक्षण का मुद्दा। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जहां एक तरफ महिला विधायकों का सदन में सम्मान करते हुए बधाई और धन्यवाद किया गया, वहीं इस मौके पर सदन में आज महिला आरक्षण की भी मांग गूंज उठी। इस दौरान सदन में महिला विधायकों ने मांग उठाते हुए कहा कि पंचायती राज में आरक्षण के अनुसार ही अन्य चुनाव में भी आरक्षण दिए जाए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण को लागू किया है, उसी तरह से विधायक और
सांसद के चुनाव के लिए भी 33% आरक्षण लागू होने चाहिए। इससे महिलाएं राजनीतिक रूप से और भी सशक्त होंगी। सहरसा से दरभंगा के लिए अगले महीने चलेंगी पैसेंजर ट्रेन। राज्य में कोसी क्षेत्र के लोगों का सालों का सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। इसके तहत सहरसा से झंझारपुर होकर दरभंगा जाने के लिए बहुप्रतीक्षित रेल मार्ग का सपना साकार होगा। इसके अनुसार अगले महीने से सहरसा से सुपौल, सरायगढ़, निर्मली, झंझारपुर होते हुए दरभंगा के लिए यात्री ट्रेन परिचालन होली के बाद से अगले महीने किया जाएगा। इसके तहत 31 मार्च तक ट्रैक उपलब्ध हो जाएंगे। आपको बता दें कि इस नए ट्रैक के तैयार होने पर एक्सप्रेस ट्रेन से सहरसा से झंझारपुर होकर दरभंगा जाने में 2.5 से 3 घंटे का वक्त लगेगा, जबकि सवारी गाड़ी से दरभंगा जाने में 5 घंटे का वक्त लग जाएगा। रद्द किए गए मैट्रिक सोशल साइंस विषय की परीक्षा हुई आज। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से पिछले महीने मैट्रिक के सोशल साइंस की परीक्षा पेपर लीक होने के मामले के बाद रद्द की गई थी, जिसके बाद आज उक्त विषय की परीक्षा राज्यभर में आयोजित की गई। इसके तहत राज्यभर में 1525 केंद्रों पर सामाजिक विज्ञान की परीक्षा छात्र छात्राओं ने दिया। वहीं कल 9 मार्च को सीवान जिले के महाराजगंज अनुमंडल के 3 केंद्रों पर अंग्रेजी विषय की परीक्षा ली जाएगी। दरअसल सीवान के महाराजगंज अनुमंडल में बैंक का लॉकर नहीं खुलने के कारण प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्रों तक नहीं पहुंच पाया था, जिससे निर्धारित समय पर परीक्षा नहीं ली जा सकी थी। अब इन परीक्षा केंद्रों पर 9 मार्च को पेपर लिया जाएगा। राज्य के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में आज आंधी और ठंड का गिरने के आसार। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की ओर से सूचना जारी किया गया है, जिसके मुताबिक अगले 24 घंटे में राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग और पूर्वी हिस्सों में आंधी तूफान और ठंड का गिरने के आसार है। दरअसल वायुमंडल के ऊपरी सतह पर उत्तर पश्चिम दिशा से शुष्क हवाएं बह रही हैं, जबकि निचली सतह पर पिछले 24 घंटे में दक्षिणी पूर्व हवा का प्रवाह बढ़ने से मौसमी सिस्टम में बदलाव आया है। ऐसे में आने वाले कुछ घंटे में आंधी और बिजली की गरज के साथ मौसम में बदलाव देखने को मिलने वाला है। आज महिला दिवस पर राज्य में इस तरह से किया गया महिलाओं का सम्मान। आज की महिलाएं आत्मनिर्भर व स्वतंत्र है, चाहे घर संभालना हो या ऑफिस का काम, वे पुरुषों के बराबर ही हर क्षेत्र में अपना योगदान देने का दमखम रखती है। और आज इनके खास दिन को और भी खास बनाने के लिए बिहार के अलग अलग हिस्सों में कई तरह से इन्हें सम्मान दिया जा रहा है। इसके तहत आज पटना एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल और कम्युनिकेशन व नेविगेशन सिस्टम की कमान महिलाएं संभाल रही हैं। इसके अलावा पूरी तरह महिला क्रू के द्वारा ही विमान उड़ाने की भी तैयारी की गई। इसके साथ ही आज छुट्टी के दिन भी पटना चिड़ियाघर में आज सभी महिलाओं के प्रवेश को निःशुल्क कर दिया गया। वहीं पटना रेलवे जंक्शन पर भी कई कामों की जिम्मेदारी महिलाओं को सौंपी गई। इसके अलावा कोरोना के दौरान बेहतर काम करने वाली 10 रेल कर्मियों को सम्मानित भी किया गया। पद्मश्री बउआ देवी को बाल किलकारी भवन में किया गया सम्मानित। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर बाल किलकारी भवन में संभाग सत्र का आयोजन कर पद्मश्री बउआ देवी को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही कार्यक्रम में बउआ देवी ने सभी महिला कर्मियों को सम्मानित किया। इस दौरान पद्मश्री बउआ देवी ने किलकारी के बच्चों को मिथिला पेंटिंग की बारीकियों से परिचित करवाया, जिसमें कोहबर बनाने के अलग अलग तरीके, कृष्ण राधा चित्रकारी, दीवार पर की जाने वाली पेंटिंग के बारे में भी जानकारी दी गई। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि कोई कलाकारी छोटी नहीं होती है, सभी को अपने क्षेत्र में आगे रहना चाहिए। अफसरों को पीटने के अपने बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने साधी चुप्पी। बीते दिन भाजपा कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक की समाप्ति के दौरान गिरिराज सिंह पत्रकारों के सवाल से बचते हुए निकल गए। दरअसल शनिवार को उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय में अजीबोगरीब बयान दे दिया था। इस दौरान उन्होंने एक मंच से कहा था कि सरकारी अधिकारी अगर आपकी बात नहीं सुनते हैं तो उन्हें बात से मारिए। वहीं जब इस विवादित बयान पर उनसे सवाल पूछा गया तो वे इस मुद्दे पर भी बोलने से बचते नजर आए और बिना कुछ बोले ही निकल गए। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी बैठक के दौरान गिरिराज सिंह के बयान पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। आरसीपी सिंह ने दिया जदयू नेताओं को जीत दिलाने का टास्क। जनता दल यूनाइटेड द्वारा चलाए गए 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में राज्य के सभी विधानसभा प्रभारियों ने भाग लिया। इसके तहत जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने पार्टी के विधानसभा प्रभारियों को कई टास्क दिए। इस दौरान प्रभारियों को गांव-गांव तक जाने और वहां प्रवास करने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही जेडीयू कार्यकर्ताओं को मनसा वाचा कर्मणा के सिद्धांत अपनाने और अहिंसक रहने की बात कही गई। आरसीपी सिंह ने कहा कि चुनाव के दौरान आप सब ने अपने अपने क्षेत्रों में जनता से जो भी वायदे किए हैं वे हर हाल में पूरा हो, इसका ध्यान सभी कार्यकर्ताओं को रखना है। आपको बता दें कि पटना के प्रदेश कार्यालय में जदयू के इस प्रशिक्षण शिविर में 2 दिनों तक अलग अलग सेशन चलाकर पार्टी की मजबूती के गुर सिखाए गए। रिया चक्रवर्ती ने महिला दिवस पर शेयर की मां के साथ की तस्वीर। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या केस में आरोपों से घिरे रहने के बाद लंबे समय से रिया चक्रवर्ती सोशल मीडिया से दूर थी। वहीं आज महिला दिवस पर लंबे समय के बाद वे सोशल मीडिया पर वापस दिखी। रिया ने अपनी मां के साथ इंस्टाग्राम पर एक खास तस्वीर शेयर की है, जिसमें वो अपने हाथ में अपनी मां का हाथ लिए हुए है। इस फोटो में उनके चेहरे नजर नहीं आ रहे हैं। इसे शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि हमें महिला दिवस की बधाई, मां और मैं एक साथ हमेशा के लिए। उन्होंने लिखा कि मेरी ताकत, मेरा विश्वास और मेरा धैर्य
मेरी माँ है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से पहले कठिन क्वारंटीन पीरियड से गुजरेगी टीम इंडिया। भारतीय टीम ने इंग्लैंड को हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से अपने आप को अलग कर लिया है, जिसके बाद अब टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हालांकि इस टेस्ट चैंपियनशिप में खेलने से पहले खिलाड़ियों को लंबे चौड़े क्वारंटीन पीरियड का सामना करना पड़ेगा। पहले तो यह तय था कि फाइनल मुकाबला लॉर्ड्स मैदान पर ही खेला जाने वाला है, लेकिन अब शहर में कोरोना वायरस के बढ़ते केसों की वजह से इसे किसी दूसरे जगह भी शिफ्ट किया जा सकता है। ऐसे में यह रिपोर्ट सामने आ रही है कि टीम इंडिया को फाइनल मैच से पहले कठिन क्वारंटीन पीरियड से गुजरना पड़ेगा, यानी कि पूरी टीम को लगभग 14 दिनों तक क्वारंटीन में रहना होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार समाज के प्रति महत्वपूर्ण योगदान देने वाली महिलाओं को आप किस तरह से सम्मान दे सकते हैं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और बिहार से जुड़े लेटेस्ट खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।